अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा वाकया सुनाएंगे जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यह वाकया एक दुल्हन का है जो अपनी बारात वाले दिन दुल्हन बनी और अचानक कब्र में पहुंच गई। दोस्तों, इस वाकया की पूरी तफसील हम आपको बताएंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो थोड़ा देखकर बंद कर देते हैं तो YouTube हमारे वीडियो को और किसी मुसलमान भाई तक भेजता ही नहीं है। और हमारा वीडियो बनाने का मकसद है लोगों को दिन की बात बताना, वो भी मोबाइल के माध्यम से। दोस्तों, जब अल्लाह तबारक व ताला किसी बंदे से राजी हो जाता है तो उसकी अदा को इस कदर पसंद करता है, यानी दुनिया वालों के सामने भी जाहिर करता है कि मैं इस बंदे से राजी हो चुका हूं। दोस्तों, वाकया कुछ इस तरह है। एक गांव में एक लड़की थी जो किसी हाल में नमाज नहीं छोड़ा करती थी, और शायद यही वजह थी जिसकी वजह से उसके ऊपर अल्लाह तबारक व ताला की खास रहमत थी और दूसरी तरफ उसकी आखिरता संवर रही थी। जब वह लड़की जवान हो गई तो उसके मां बाप ने उसका रिश्ता तय कर दिया, फिर उसकी शादी तय हो गई, और फिर आखिरकार वह दिन भी आ गया जब उसको विदाई होनी थी और आखिरकार उसकी बारात आने वाली थी और वह दुल्हन बनकर अपने कमरे में बैठी थी। लेकिन तभी अचानक नमाज का वक्त हो गया। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि नमाज हर हाल में फर्ज है, नमाज किसी हाल में माफ नहीं है, हर हाल में हमको नमाज अदा करनी ही पड़ेगी। नमाज हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है, नमाज मोमिन की मेराज है, और कयामत में जो सबसे पहला सवाल किया जाएगा वह नमाज के बारे में किया जाएगा। तो दोस्तों, यह जो लड़की थी बहुत ही परहेजगार थी, यह हर वक्त अल्लाह तबारक व ताला की हम्द सना बयान करती रहती थी। लेकिन उस दिन बड़ा ही अजीबोगरीब मामला पेश आया। वह लड़की तैयार बैठी थी और उस वक्त वह मेकअप में बैठी हुई थी, यानी पूरी दुल्हन की तरह तैयार हो चुकी थी, और जैसे ही नमाज का वक्त हुआ यह लड़की फौरन अपनी अम्मी के पास गई और कहने लगी कि अम्मी, नमाज का वक्त हो गया है, मैं नमाज अदा करने जा रही हूँ। उसकी अम्मी बोलती है, बेटी कुछ ही देर में हमारे घर पर बारात आ जाएगी और ऐसे में तुम वजू करोगी तो तुम्हारा सारा मेकअप उतर जाएगा और यह जो खूबसूरती नजर आ रही है इसमें कुछ न कुछ कमी आ जाएगी, इससे बेहतर है कि तुम अभी नमाज अदा ना करो। लेकिन दोस्तों, इतने में यह लड़की कहने लगी कि मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं, मुझे बारातियों की कोई परवाह नहीं, मुझे तो अल्लाह तबारक व ताला को मुंह दिखाना है और मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला को राजी करना है, क्योंकि नमाज तो हर हाल में फर्ज है, चाहे मैं दुल्हन बनूं या ना बनूं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेकअप खराब करने से बचने के लिए मैं नमाज से दूर हो जाऊं और अल्लाह तबारक व ताला की नाराजगी ले लूं, इससे बेहतर यह है कि मैं नमाज की अदायगी कर लूं। लड़की की यह बात सुनने के बाद उसकी मां बहुत गुस्सा हुई और बोली, ऐसा ना करो, हमारी बदनामी होगी। लेकिन दोस्तों, वह लड़की किसी हद तक राजी ना हुई और कहने लगी, मां, अल्लाह तबारक व ताला को मुंह दिखाना है, अल्लाह को राजी करना है ना कि उन बारातियों को मुंह दिखाना है, इसलिए मैं हर हाल में अल्लाह तबारक व ताला की हमद सना करूंगी और नमाज अदा करने जाऊंगी। दोस्तों, आपको बता दें, इधर उसकी मां की आंखों में आंसू आ गए और वह रोती हुई कमरे से बाहर निकल गई। दूसरी तरफ वह अल्लाह वाली लड़की थी, उसके दिल में ईमान की रोशनी जगमगा रही थी। वह लड़की वजू करने के लिए गुसलखाने पहुंच गई और उसने वजू किया। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि दुल्हन को सजने संवरने में काफी वक्त लगता है, लेकिन उस लड़की ने इस बात की परवाह नहीं की कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचेगी। उसने इस बात की परवाह की कि अल्लाह तबारक व ताला मेरे बारे में क्या सोचेगा, कहीं अल्लाह ताला मुझसे नाराज न हो जाए। इसलिए वह वजू बनाने के लिए तैयार हो गई और इसने इधर वजू बनाया और नमाज की अदायगी शुरू कर दी। दोस्तों, आपको बता दूं कि उसने अभी नमाज पढ़ना शुरू ही किया था, जैसे ही यह लड़की सजदे में गई वैसे ही फौरन उसकी रूह कब्ज हो गई, यानी कि अल्लाह तबारक व ताला ने इस लड़की को इतनी प्यारी मौत से नवाजा। दोस्तों, जरा सोचिए, अल्लाह तबारक व ताला को हमारी छोटी सी भी अदा पसंद आ जाए तो हमारा बेरा पार हो जाएगा। दोस्तों, जब मौत आनी होती है
तो मौत आके ही रहती है, ना ही एक लम्हा ज्यादा और ना ही एक लम्हा कम। दोस्तों आप सोचिए कि दुल्हन ने बारातियों की परवाह न की और अल्लाह तबारक व ताला की रजा के लिए सजदे में सर झुका दिया। अल्लाह ताला को उसकी यह अदा इतनी ज्यादा पसंद आई कि अल्लाह ताला ने उसे अपने पास बुला लिया। दोस्तों जैसे ही बारात घर को आई तो लड़की के माँ बाप लड़की के कमरे में गए, लेकिन जैसे ही कमरे में दाखिल होते हैं क्या देखते हैं कि हमारी लड़की अल्लाह तबारक व ताला की रजा के लिए सजदे में इंतकाल कर गई। अल्लाहू अकबर। प्यारे दोस्तों अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी ऐसी मौत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों सोचिए जरा, अगर वो लड़की अपनी माँ की बात मान लेती तो क्या होता। वैसे भी मौत तो आनी ही है, मगर मेकअप की हालत में मरती तो अल्लाह तबारक व ताला की नाराजगी के साथ जाती। लेकिन दोस्तों अल्लाह तबारक व ताला को कुछ और ही मंजूर था। अल्लाह ताला अपनी बंदी को सजदे की हालत में उठाना चाहता था। यह अल्लाह तबारक व ताला का उस लड़की पर बहुत बड़ा करम था। प्यारे दोस्तों इस वाकिया से हमें इबरत हासिल करनी चाहिए कि हम में से कितने लोग नमाज अदा नहीं करते। जरा सोचिए, अगर इसी हालत में मौत का फरिश्ता आ जाए और हमारा रूह कब्ज कर ले तो अल्लाह को हम क्या मुंह दिखाएंगे। और नमाज के हवाले से हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, तो जब हुजूर पाक हमारे कब्र में तशरीफ लाएंगे तो हम किस तरह से मुंह दिखाएंगे। प्यारे दोस्तों उसके बाद उस लड़की को उसी शादी के जोड़े में दफन कर दिया गया। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें पंचगाना नमाज बा जमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दे ताकि YouTube इस वीडियो को और भी मुसलमानों तक पहुंचा दे। हो सकता है ये वीडियो देखकर कोई शख्स गुनाहों से तौबा करके नमाजी बन जाए।